मैं तुम्हें पाताल के गर्भ में छुपा लूंगा। कृष्ण वहां कभी नहीं पहुंच सकता। तुम वहां तब तक जीवित रहोगी जब तक कृष्ण का क्रोध शांत नहीं हो जाता। जैसे आप कहा जा रहे हो। नहीं शुक्राचार्य, आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आचार्य, ये कैसी शक्ति थी? क्या नहीं, परंतु इससे हमें कोई हानि नहीं पहुंची है। ये जो तुम्हारे सामने द्वार बन रहा है, तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। तुम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओगे। चल, अब सुरक्षित हुआ। अद्भुत आचार्य, अद्भुत। कम से कम मेरे प्राण तो बचे। अब कृष्ण मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। शुक्राचार्य ने तो मुझे सुरक्षित स्थान पर लुटाया था। मैं तो पुनः वापस वहीं लौट आया। ये कैसे संभव है? तुम्हें क्या लगता है शाह, शलास्त्र का उपयोग केवल शुक्राचार्य कर सकते हैं, राधा नहीं कर सकते? एक अंतिम अवसर शाल्व को मिलना ही चाहिए, इसलिए मैंने छलास्त्र से उसे यहाँ केवल रोक कर रखा है ताकि अंतिम न्याय कृष्ण ही करे। जैसी सखी की इच्छा। शाल्व, उसी स्थान पर रुक जा और क्षमा मांगो। क्षमा मांगो राधा से, प्रद्युम्न से, द्वारका से, सभी से। एक अंतिम अवसर तुम्हें दे रहा हूं। ये पलायन का नहीं, प्रायश्चित का समय है। असत्य है ये सब, माया है कृष्ण की। कृष्ण चाहता है कि मैं रुक जाऊं और वो मेरे प्राण ले ले। अपने पापों से कोई नहीं भाग सकता शाल। तुम किसी पर्वत की गुफा में जाके छिप जाओ, तब भी पापों का फल तुम्हें भोगना ही होगा। है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, जीत पुण्य। इसलिए प्रायश्चित करो शाल, अपने भीतर के प्रेम को जगा। सुन रहे हो ना मुझे? अपने पाप यदि हमें सताते हैं तो हम भय से भागते हैं, और यदि यही पाप प्रायश्चित रूपी प्रेम में परिवर्तित हो जाए तो हम रुककर क्षमा मांगते हैं। देखते हैं शाल्व क्या करता है, वो रुकता है या भागता है। और यदि भागा तो क्या रहा था? तो न्याय कृष्ण का होगा। We'll be right back.
फल है ये। इतने पाप करने के बाद कृष्ण कभी मुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। चल चले। अब और अवसर मत दो कृष्ण, अब न्याय करो। राधा कृष्ण ने आज एक नए उदाहरण की स्थापना की है कि अंतिम क्षण तक व्यक्ति बदल सकता है, कितना भी पाप क्यों ना किया है। यदि इस क्षण में मन में प्रेम जगा हो तो जीवन का प्रवाह बदल सकता है। यदि मन में प्रेम जगाने का एक अवसर हो तो प्रेम जगाना ही चाहिए। उचित कहा बहन पार्वती। प्रणाम दादा। प्रणाम बहन। आप स्वयं ही चले आए। बहन ने इतनी प्रशंसा कर दी तो आना ही पड़ा। और वैसे भी मेरी बहन ने अत्यंत उचित बात कही, ये मेरा वचन है। हर व्यक्ति को अंतिम क्षण में एक अवसर प्रदान होगा मेरी ओर से, और यदि वो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम जगाता है, यदि द्वेष का मार्ग छोड़कर वो प्रेम के मार्ग पर आता है, तो मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं उस व्यक्ति के निकट आऊंगा। ऐसे क्षण में महादेव तो ध्यानस्थ हैं, अपने भक्त से भेंट नहीं करेंगे? नहीं मिलेंगे। ध्यान में बैठ गए क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं राधा उन्हें पुकार न ले। राधा ने तो पुकारा नहीं। आप तो जानते ही हैं कि महादेव को ध्यान कितना प्रिय है। अब देखिए ना, उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ध्यान करने दीजिए। ध्यान भी अत्यंत मंगल कार्य है। पर श्री कृष्ण को मेरा धन्यवाद। इस अध्याय में जो आपने मेरे लिए किया है श्री कृष्ण, वो असीम भक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। जब ऐसा कोई त्याग करने का अवसर आपको प्राप्त होगा तो आप भी निसंकोच होकर यही करेंगे? निसंदेह करूंगा आराध्य।
क्या सोच रहे हो राधे? मैं सोच रही हूँ कि समय शीघ्र बदलता है या सोच, विश्वास ही नहीं होता। कल तक मैं द्वारका को छोड़ के जाने की बात कर रही थी, किंतु आज ये सोच रही हूँ कि द्वारका इतनी सुंदर है कि मन कर रहा है कि जन्म के पश्चात भी बस यहीं रुक जाऊं। इसके अनुसार तो सोच समय से पूर्व बदलती है। ऐसे देखा जाए तो आज तुम्हें द्वारका अच्छी लग रही है, हो सकता है कल मन में द्वारका को छोड़कर कहीं और जाने का विचार आ जाए। मेरे मन की दौड़ तो मनमीत तक है, मेरी नेत्र उस स्थान को खोजते हैं जहाँ पर कृष्ण है, और कृष्ण तो द्वारका में है ना, तो भला द्वारका से जाने का मन भी क्यों करेगा? ये तो समय ही बताएगा। अर्थात सुभद्रा के जाने का समय आ गया है, उसका प्रबंध करो। मैं दाऊ को खोजता हूँ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि समय ही बताएगा? द्वारका इतनी सुंदर है, यहाँ से जाने का मन भी क्यों करेगा? कृष्ण भी ना जानबूझकर सताने के लिए कुछ भी कहता है। सुभद्रा, देखो क्या लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। हस्तिनापुर के मार्ग में अत्यंत ठंड होती है, इसे ओढ़ लेना। क्या हुआ, मन में कुछ है? हाँ राधा, अपराध बोध है। राधा, तुम्हारा मन कितना निश्चल है, सबके लिए कितना अथाह प्रेम है। मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, फिर भी तुम्हें मेरी चिंता है। मुझे लगा कृष्ण को तुम कदाचित समझ नहीं पाई हो, पर समझ तो मैं नहीं पाई थी राधा, कृष्ण को, तुम्हें, तुम्हारे प्रेम को। और ना जाने क्या कह बैठी, मुझे क्षमा कर दो राधा। सुभद्रा, तुम मेरी बहन जैसी हो, और बहनों के मध्य तो छोटी मोटी बातें होती रहती है ना, रिश्तों में अच्छे बुरे बोल बोले जाते हैं, इसे मन पे नहीं लेते। चलो अश्रु पहुंचो, रोना बंद करो। पोच तो मेरे मन की काली को दिया है तुम्हारे प्रेम ने राधा, और वही आंसू के रूप में बाहर निकल रहे हैं। विश्वास हो गया है मुझे कि कृष्ण को कोई सबसे अच्छे से समझ सकता है तो वो तुम हो राधा।